जिसको कि कुछ भगवाधारियों ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। क्यों भगवाधारी कोई अपराध है क्या? नहीं अपराध अब तो उन्होंने अपराध ही बना दिया है। अब किसको तो बनाया? बना दिया है। आप बीजेपी के खिलाफ हो सकती है, बीजेपी कहिए पूरे भगवाधारी को अपराधी के कड़घरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप मुसलमानों के खिलाफ हो सकती है, आप भगवा के खिलाफ नहीं बोल सकती। सुदर्शन पे बैठ कर भगवे के खिलाफ नहीं बोल सकती। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। बिल्कुल नहीं है। आपको इनको हटा दो, इनको हटा दो। भगवे के खिलाफ बोलने वाला गेस्ट सुदर्शन पे नहीं बैठ सकता। हटाओ हटाओ, ऐसे लोगों को सुदर्शन में कोई स्थान नहीं मिलेगा जो भगवे के खिलाफ बोलेंगे। अरे आपकी दुश्मनी पाकिस्तान से, भाजपा से है, करो बोलो बात करो, लेकिन भगवे से क्या दुश्मनी है? बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। लोगों ने कहा है कि उनके नाम लेते समय केवल नरेश अग्रवाल मत कहना, रामद्रोही नरेश अग्रवाल कहना। थोड़ा जो आपने कहा कि हम रामद्रोही हैं, हाँ पहले भी कहा था, टीवी पे कहा था, कभी नहीं कहा। क्या मेरे पे मैंने कहा था? मैंने आपको रामद्रोही कहा था और आज भी कह रहा हूँ। क्या मेरे के सामने, सबके सामने? सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं नहीं ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। अच्छा। मैं ओवैसी को इस दिवाली पर 1 करोड़ रुपए के कंडोम मुसलमानों में बांटने के लिए गिफ्ट कर रहा हूँ। अगर वो सच बोल रहे हैं तो दिखा दो, क्योंकि मौलाना तो उसको उपयोग करने के विरुद्ध भाषण देते हैं। आप ब्रजभूषण जी पूछ रहे हैं, अल्लाह श्रीलिंगी है, पुरुष लिंगी है या क्या है? अल्लाह पुरुष है या स्त्री है? ना तो अल्लाह पुरुष है ना स्त्री है। अरे इतनी खतरनाक बात बोल रहे हो, इतनी खतरनाक बात अल्लाह के बारे में बोल रहे हो, ना पुरुष है ना स्त्री है। आरंभ है प्रचंड मस्तकों के झुंड, जंग की घड़ी की तुंग हार दो। दोस्तों पिछले इतने सारे वीडियोस को आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के पहले पार्ट को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए भी धन्यवाद। इस वीडियो में वो सारे थग लाइव वीडियो शामिल किए हैं जो पहले आपने ना कहीं देखे हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने इंटरनली वहाँ से निकाले, उनके यूट्यूब चैनल से निकाले और उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबका प्यार यूं ही बना रहे, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना लाइक करके, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों को दुनिया में सपोर्ट किया है यूट्यूबर्स को, मुझे भी थोड़ा सा कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जय श्री राम। जिस दिन गद्दारों के सफाई का अभियान चलेगा केवल सुदर्शन का नाम लिया जाएगा। ऐसा ही एक और शब्द प्रयोग है, नंगे से खुदा डरता है, सुना है ना आपने? लेकिन खुदा डरता है, भगवान नहीं डरता है। वह कोई बंदा होता है या भगवान का बंदा नहीं होता है, या हर व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश होता है, यह हमारे दर्शन का फर्क है। हमारे विचारों के साथ हो जाएंगे क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान हैं। नहीं देखिए, हमारा अपना होने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ेगा। क्या बदलना? बस कुर्ते का रंग ही तो बदलना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं। कुर्ते रंग की कोई बात नहीं है, ये तो क्या है? मुझे तो बड़ा विशेष लगा कि आपने काला रंग क्यों पहना है, आईएस वाले पहनते हैं उधर। आतिक अहमद के पूरे परिवार पर एफआईआर बना है ना, पूरे परिवार पे एफआईआर, उनके मिलकर भी 600 कुछ बनते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कितने हैं? 1825, लेकिन 1826 होगा तो भी सूरज चौहान के लड़ेगा, चिंता मत करिए। पहले मुस्लिम धर्म नहीं है, धर्म केवल हिंदू है, क्योंकि इस्लाम वाले ही स्वयं अपने, इसको क्या कहते हैं, मजहब। दूसरा, आपने कहा मुस्लिम भाई, मैं कहता हूं कि मुसलमान पहले अपने बहन के भाई बन के दिखाए, फिर हमारे भाई बने। जो चित्र का सपना ले रे, हम खत्म करांगे रे समय से, जो नस्ल बढ़ाने की सोच उनकी नस्ल में टड़ी दे समय से। आप लोगों को भी आदत लगी है 5 बार की, जब तक उधर से आता नहीं तब तक इधर से लगता ही नहीं। या आप इस आवाज की तरफ ध्यान जा रहा है क्या?
चिंता मत करिए, किसी भी आवाज के कारण मेरा भाषण कभी भी ना रुकता था, ना रुकता है, ना रुकेगा। इसलिए उधर देखने की जरूरत नहीं, ये रिकॉर्डिंग जा रही है, प्रशासन भी ध्यान रखे कि ये सुरेश चव्हाण के का हिंदू शेरों के सामने भाषण है, रुकेगा नहीं। और अगर निजाम की औलाद अपने आप को कह रहा है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमारे देश के तब के गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार पटेल ने निजाम को नाक रगड़वाई थी, नाक। और अब तो सरदार पटेल का नया अपडेटेड वर्जन गृह मंत्री है। सरदार पटेल ने नाक रगड़वाई थी, ये नया सरदार पटेल नाक काट देगा। ये अभी अमित शाह है, और इसलिए ऐसे बिल्लों को समझाना चाहिए कि आप किसके साथ लड़ रहे हैं। मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। औरंगाबाद नाम का कोई शहर नहीं हिंदुस्तान में भाई, तुम्हें पता नहीं है? हाँ, कोई शहर नहीं है ऐसा। औरंगाबाद कहने वाले का कॉल हम सुनेंगे नहीं, कट करिए। गजब बेइज्जती है। हिंदुस्तान में छत्रपति संभाजी महाराज नगर है, औरंगाबाद नाम का शहर हमारे नक्शे में नहीं है। कि याद रखना, भेड़िया कभी वेजिटेरियन नहीं होता। मतलब मेरा अब्दुल ऐसा नहीं कहने वाली लड़कियां ध्यान रखे कि भेड़िया कभी वेजिटेरियन नहीं होता। कुछ समय तक वो भले भूखा रहेगा लेकिन वो अपनी भेड़ियों की दिखाएगा, इसलिए ऐसी लड़कियां उनसे सावधान रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर है, सुना है? उस सिद्धिविनायक मंदिर के द्वारा जनहित के काम किए जाते हैं और मेडिकल हेल्प दी जाती है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं। तो 2013 में सांगली में जो दंगे हुए, उस दंगे का मुख्य आरोपी वो व्यक्ति निकला जिसने कुछ ही दिन पहले सिद्धिविनायक मंदिर से हृदय का ऑपरेशन करने के लिए पैसे लिए थे, उसी ने गणपति की मूर्ति तोड़ी थी। क्या ऐसे लोगों को देना चाहिए? तो बहुत सिंपल है, आप हिंदू का प्रसाद नहीं खा सकते तो हिंदू की दवाई भी नहीं खानी चाहिए, बात खत्म। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। तिरंगा राष्ट्रध्वज जो सबसे ऊंचाई पर आप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, आप मुझसे बड़ा देशभक्त कौन है? लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिन्ना ने भी यही कहा था और बन नहीं पाया तो दूसरा देश बना लिया। किसान आंदोलन तक सीमित रहे ये अच्छा है। नहीं, हम कंज्यूमर नहीं क्या? नहीं नहीं, मतलब इसमें अल्लाह अकबर का नारा, इसकी क्या जरूरत है? दूसरा भी बोल लो, आप क्या कहा? हर हर महादेव। तो ये, लेकिन ये दोनों नारे एक समान नहीं है ना? क्यों नहीं है? ये देश के संविधान ने, अल्लाह अकबर असंवैधानिक नारा है। क्यों? सुदर्शन पे नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। हम कहते हैं आप जय अल्लाह कहो, अल्लाह अकबर। ये भैया अल्लाह महादेव से बड़ा कैसे हो गया? हमने ये नहीं कहा है। आप मुझे बताइए, स्वर्ग से टिकेट जी देख रहे होंगे तो उनको उनको भी अल्लाह महादेव से बड़ा अल्लाह लगेगा क्या? ये कह रहे हैं अब तो सच बोल दे के? हमको धाराएं दी, उसमें कानून बनाया और उसमें कहा कि सब लोगों को पूजा पद्धति करने का सब अधिकार है। लेकिन अल्लाह अकबर नहीं, हर हर महादेव और उसी बराबरी का अल्लाह का नारा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही तो लग रहा, जय अल्लाह कहिए ना, वही तो कह रहे हैं। नहीं, अल्लाह अकबर का मतलब ना, आपको डिक्शनरी मिला, मुझे अल्लाह से दिक्कत नहीं है, अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है, इससे मुझे दिक्कत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आरएसएस के लोग आगरा में जब जाकर के एक लोगों को बुला करके ये कहा कि आप गरीब लोग हो, आपको मैं राशन कार्ड दिला दूंगा, क्या कर दूंगा, मदद कर दूंगा, और ले जाकर के एक जगह पे बिठा करके उनको टीका लगा करके वहाँ पर उनको पूजा करवाने लगा, और जाकर उसके बाद चैलेंज किया कि अलीगढ़ में एक मंच लगेगा, उसमें कुछ 5 लाख 15 लाख राशन कार्ड के लिए मुसलमान धर्म बदलता। गरीब बेचारा था, उसको धर्म बदला नहीं, उसने जबरदस्ती उन्होंने हवाड किया। वो लोग मारपीट करके आप क्या लालच, आप तो जन्नत की लालच देते हैं। हम धर्म की, आप तो जन्नत की लालच देते हैं कि धर्म के लिए मरो जन्नत मिलेगी। हम तो धर्म 72 हुरे मिलेंगे, वहाँ विश्व सुंदरिया मिलेगी, मन चाही शराब मिलेगी। बुखारी जी, जरा जो महेंद्रपाल आर्य जी ने पूछा है उसका कोई जवाब है आपके पास?
उन्होंने कहा कि अल्लाह ने चार दिन में सूरज बनाया, ऐसा कह रहे हैं, लिखा है, कहा वो उन्होंने पढ़ के भी बताया। तो वो जो दिन है वो दिन इन्हें कहा से, क्योंकि दिन तो सूर्योदय सूर्यास्त से गिने जाते, जब बनाया जब दुनिया नहीं थी। हाँ, दुनिया बाद में बनी है। तो दिन कहा से गिने? तो सूरज का अपना काम है, अपने काम के लिए बनाया है उसने, उसमें क्या परेशान है। तो जब बनाया तो चार दिन में बनाया, वो चार दिन कहा से गिने, ये वो पूछ रहे हैं। चार दिन कहा से गिने? हाँ, वो मालिक है, वो चार हजार से गिने। Check you and me.